ना बच्चा, आपकी सिंगल एंट्री के रजिस्ट्रेशन नंबर 6 हो गया था, 7th हो गया था, देन स्ट्रेट अवे उसके बाद आ रहा हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर 9th में, ठीक है। पहली बात, फर्नीचर का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है आपको। फर्नीचर अकाउंट आप लोग अपने आप बनाओगे, इन्वेंट्री अकाउंट फॉर्म कर रहा हूँ। इन्वेंट्री अकाउंट का ओपनिंग कितना है यार, 16,000, क्लोजिंग कितना है 14,000। इन्वेंट्री के साथ साथ एक और अकाउंट बनेगा, कौन सा आपका, वो क्रेडिटर का अकाउंट। क्रेडिटर्स का ओपनिंग कितना है 22,000, क्लोजिंग कितना है 30,000। बोलता है अच्छा, संडी ट्रेडर का अपने आप बनाओगे। मैं एक्सपेंसेस नाम से खोल रहा हूँ, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग दोनों एक साथ दिखा दूंगा। प्रीपेड एसेट होता है ओपनिंग 1200-1400, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना है 4000, क्लोजिंग कितना है 3600। तो इन्वेंट्री अकाउंट, फिर क्रेडिटर अकाउंट और फिर एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों एक साथ अभी दिए हुए हैं, आगे पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। कलेक्शन फ्रॉम ट्रेडर वगैरह दिया हुआ है आफ्टर डिस्काउंट, आप लोग ये कर सकते हो अपने आप भी। पहली एंट्री अपने आप हो जाएगी आपकी, बाय बैंक आ जाएगा 1,17,000, बाय डिस्काउंट आ जाएगा 3,000। कलेक्शन ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डिडक्शन 250 बाय द बैंक टोटल टू 12,015। कलेक्शन हमें ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में दिया हुआ है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं टोटल टू 12,250 पीसीस पे का देखना पड़ेगा कि ये 12,250 विदाउट टोटल लिखा हुआ है, तो मतलब ये विदाउट डिस्काउंट होगा आफ्टर डिडक्शन। तो हमारे आपने 12,000 आया होगा, तो एंट्री पड़ी क्या होगी, डिस्काउंट किया है बैंक से, बैंक डिस्काउंट टू बीआर। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एक बार चेक कर रहा हूँ इसको, बैंक डिस्काउंट टू बीआर। ओके, मतलब इस बार ये 12,250 विदाउट मतलब ये डिस्काउंट इसके बाद था। आप चाहो तो बीआर अकाउंट में चेक कर सकते हो, बैंक अलग से दिया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट। बस थोड़ा सा इस पर स्टार मार्क करना, लाइन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कह सकता हूँ, क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ है, तो 250 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। मतलब ये खाली रिसिप्ट और पेमेंट, खाली कैश अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। कर लोगे एंट्री पास। क्रेडिटर्स 80,000 वर पेड 78,400, टू क्रेडिटर्स टू कैश 78,400, टू डिस्काउंट 1,600। पेमेंट फॉर फ्रेट इन्वर्ट, ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, कैश कम हो जाएगा। अमाउंट विदड्रॉन फॉर ड्रॉइंग टू कैश। पेमेंट फॉर ऑफिस फर्नीचर वगैरह दिया हुआ है आपको, और कितना है आपका 2,000 है। पेमेंट फॉर ऑफिस फर्नीचर 2,000 है, ठीक है, हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कैरिंग एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 4% वर परचेज 192, फेस वैल्यू कितनी है 200, 1 जुलाई को परचेज किया है, पेमेंट मेड देयर फॉर। जरा गौर करना, 31 दिसंबर ईयर एंड हो रहा है, 31 दिसंबर आपका ईयर एंड हो रहा है, तो इंटरेस्ट की वर्किंग करनी है। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा हमेशा 200 पे, पेमेंट मेड देयर फॉर पक्का, मतलब हमारे हाथ में कैश आ चुका है। तो 200 का 4% फॉर 6 मंथ्स, 200 का 4% फॉर 6 मंथ्स, 200 है पक्का, 200 का 4% है फॉर 6 मंथ, इंटू 6/12 कितना आ गया आपका 4 रुपीज़। तो आप चाहो तो कैश और बैंक में चेक कर सकते हो, आपको ये दिया हुआ होगा।